यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन करने के लिए यातायात के नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध फोटो खींच फोटो चालान प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है, जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी व कर्मचारी गण व आम नागरिक यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालक के वाहन की नंबर प्लेट व किए जा रहे अपराध की मोबाइल से फोटो खींचकर व्हाट्सएप नंबर 7839859795 पर भेजने पर एमवी एक्ट के अंतर्गत चालान किया जाएगा। चालान को यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ता के स्थान पर भेजा जाएगा। चालान भुगतान क्षेत्र अधिकारी यातायात जनपद रामपुर कार्यालय में 30 दिवस के अंदर किया जाएगा। दिवस की सीमा समाप्त होने के बाद दंडात्मक कार्यवाही CJM कोर्ट रामपुर में दाखिल कर दिया जाएगा। रामपुर SP शिवहरि मीना ने इस संबंध में जिले में ये आदेश जारी कर सभी पुलिस कर्मियों व अधिकारियों को कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया है। सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, इसमें हमारे DM साहब के माध्यम से रामपुर जनपद की जनता को एक सुविधा मिल रही है। इसके तहत एक व्हाट्सएप नंबर अभी जारी किया जा रहा है, जो अभी हमारे DM साहब वो व्हाट्सएप नंबर आपको बताएंगे। उसमें यह है कि कोई रॉन्ग साइड चल रहा है, ट्रिपल सवारी चल रहा है, सीट बेल्ट लगाए हुए नहीं है, या इस तरह की चीजें हैं, तो वो व्हाट्सएप नंबर पर आप फोटो खींच के पीछे की लोकेशन जरूर उसमें आनी चाहिए, गाड़ी के नंबर उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। उस कंसर्निंग जिस भी गाड़ी का ड्राइवर होगा, गाड़ी के मालिक के पते पर उसका ई चालान पहुंच जाएगा और उसके चालान की व्यवस्था हो जाएगी। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी ट्रैफिक के कर्मचारी की जरूरत नहीं है, किसी अधिकारी की जरूरत नहीं है, आप ही ट्रैफिक के नियामक हो गए हैं। हाईवे पे सर, हाईवे पे जो है रेसलिंग की जा रही है, गाड़ियां दौड़ाई जा रही है बड़ी स्पीड के साथ, शर्त के साथ। हम आपको बता रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई भी मामला आपके संज्ञान में आता है तो आप हमें फोटो भेज दें, और हमारे संज्ञान में अगर आपके माध्यम से आ रहा है तो निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई कर रहा है जी। आज के माध्यम से ये आह्वान किया गया है कि लोग जागरूक बने और जागरूक होकर लोग जुड़े हमारे साथ, इसीलिए कप्तान साहब ने हमने निर्णय किया है कि अभी ई चालान आज हम जो वायलेशन कर रहे हैं उनका तो रोड पे करेंगे, लेकिन जो फोटो के माध्यम से जो चालान की व्यवस्था है।